शाहरुख खान की 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 10वें नंबर पर है जीरो। यह मूवी 21 दिसंबर 2018 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, अभय देओल, आर माधवन थे। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ 78 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 9वें नंबर पर है रावण। यह मूवी 26 अक्टूबर 2011 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, प्रियंका चोपड़ा, संजय दत्त थे। इस फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 207 करोड़ 38 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 8 नंबर पर है जब तक है जान। यह मूवी 13 नवंबर 2012 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह थे। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 235 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 7 नंबर पर है डॉन 2। यह मूवी 23 दिसंबर 2011 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, कुणाल कपूर, बोमन ईरानी थे। इस फिल्म का बजट 76 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 6 नंबर पर है माय नेम इज खान। यह मूवी 12 फरवरी 2010 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, काजोल, जिमी शेरगिल, सौम्या जैन, पल्लवी शारदा थे। इस फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 244 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 5 नंबर पर है रईस। यह मूवी 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, अहिरा खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अतुल कुलकर्णी, इबा चड्डा थे। इस फिल्म का बजट 92 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 281 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 4 नंबर पर है दिलवाले। यह मूवी 18 दिसंबर 2015 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कृति सेनन, वरुण शर्मा थे। इस फिल्म का बजट 165 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 388 करोड़ 42 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 3 नंबर पर है हैप्पी न्यू ईयर। यह मूवी 24 अक्टूबर 2014 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, जैकी शराफ, सोनू सूद थे। इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ 95 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर पे है चेन्नई एक्सप्रेस। यह मूवी 8 अगस्त 2013 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, योगी बाबू, मुकेश तिवारी, सत्यराज थे। इस फिल्म का बजट 115 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 422 करोड़ 13 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पहले नंबर पर है पठान। यह मूवी 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, डिंपल कपाडिया, आशुतोष राणा थे। इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 1050 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इन सब मूवी में शाहरुख खान की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।